Oh no! No, God! No, God, please, no! 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 Yeah, boy. LOL! सो ये दारू क्लैश आप सबका स्वागत है एक और नए ऑसम क्लैश क्लैश की वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे हम लोग जो अपने टाउन ऑनलाइन को जो है फटाफट से मैक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता ही होगा कि पहले टाउन ऑनलाइन को मैक्स करना बहुत ही मतलब झंझट का काम था। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि यहाँ पे जो कोर्स था वॉल से लेके डार्क एलिक्सर फार्मिंग ये बहुत ही डिफिकल्ट होता था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स के बाद जो है टाउन ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में आप कैसे अपने टाउन ऑनलाइन को फटाफट से मैक्स आउट कर सकते हो। तो जो वीडियो के अंदर सबसे पहली चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो होगा यहाँ पे अपने डार्क एलिक्सर फार्मिंग के ऊपर। पे जो है हमारा डार्क एलिक्सर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको अगर पता होगा तो टाउन हॉल 8 और टाउन हॉल 7 में जो डार्क एलिक्सर का सिर्फ एक ही यूज़ होता था, थोड़े से मतलब ट्रूप जो हमारे हॉग राइडर हो गया, मिनियन हो गया लेबोरेटरी में, उनको अपग्रेड करना, और जो हमारे हीरोज था बारबेरियन किंग उसको अपग्रेड करना। तो आपको मतलब एलिक्सर के साथ ही आपका जो डार्क एलिक्सर कलेक्ट होता था उसके अंदर ही काम चल जाता था। लेकिन जो टाउन हॉल 9 है यहाँ पर आपको बहुत सारे डार्क एलिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो है रिसर्च में बहुत सारा डार्क एलिक्सर यूज़ करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैंने जो है ऑलमोस्ट सारे के सारे ट्रूप्स कर लिए, बस 2 या 3 यहाँ पे आपको स्पेल्स दिखेंगे और एक जो है आपका गोलम दिखेगा। और बेसिकली जो है हीरोज में भी आपके बहुत सारे डार्क एलिक्सर लगते हैं। पहले जो है आपको क्वीन अनलॉक करने के लिए 30,000 के अराउंड डार्क एलिक्सर यूज़ करना पड़ता था, पर अभी कॉस्ट रिडक्शन के बाद वो जो है 10,000 हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डार्क एलिक्सर फार्मिंग की, तो डार्क एलिक्सर फार्मिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दूंगा। तो डार्क एलिक्सर फार्मिंग करने के लिए जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले एक डार्क एलिक्सर का अटैक स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा। तो डार्क एलिक्सर का अटैक स्ट्रेटजी मतलब आपको जो है यहाँ पे एलिक्सर आर्मी यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब आप कोई भी डार्क एलिक्सर ट्रूप या स्पेल मत यूज़ करो। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप थोड़े डार्क एलिक्सर के स्पेल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पॉइजन हो गया या फिर अर्थक्वेक स्पेल हो गया। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी डार्क एलिक्सर ट्रूप यूज़ मत करो और यहाँ पे जो कम्प्लीटली एलिक्सर आर्मी से रेड करो। और जो सेकेंड चीज़ है यहाँ पे वो हो गया बेस। आप लूट तो लोगे लेकिन उसको आपको यहाँ पे स्टोर भी करना पड़ेगा। तो आपको कोई ऐसा बेस चाहिए होगा जहाँ पे आप डार्क एलिक्सर को स्टोर कर सकते हो। तो मेरे पास एक अभी फिलहाल के लिए एक बेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप इस बेस को देख सकते हो, यहाँ पर जो डार्क एलिक्सर के कलेक्टर्स एकदम बीच में रखे हुए, तीनों के तीनों डार्क एलिक्सर कलेक्टर, और जो डार्क एलिक्सर स्टोरेज है वो भी एकदम बेस के बीच में रखा हुआ है और चारों तरफ से डिफेंसेस ने घेर के रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा बेस है, डार्क एलिक्सर को मतलब आप प्रोटेक्ट कर सकते हो इस बेस के तौर पर। तो इस बेस का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आने वाले जो आपके टाउन लाइन के बेसिस के वीडियोज होंगे तो उसके अंदर भी जो है आपको डार्क एलिक्सर फार्मिंग के बेसिस आपको मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे बात करते हैं कि डार्क एलिक्सर आपने कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया, पर यहाँ पे यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे जो आपका डार्क एलिक्सर होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टाउन हॉल 9 में। यहाँ पे आपको क्वीन को अपग्रेड करना है, किंग को अपग्रेड करना है, लैब के अंदर बहुत सारे ट्रूप्स को अपग्रेड करना है। तो जो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है यहाँ पे टाउन हॉल 9 में वो है आपके हीरोज। तो आप देख सकते हो मेरा जो यहाँ पे बेस है, यहाँ पर जो मेरा ये वाला बेस है डायनासोर, आप देख सकते हो क्रोम वाला। तो ये मेरे बेस में जो सब कुछ मैक्स हो चुका है, बस यहाँ पे एक गोलम बचा है जिसको डार्क एलिक्सर से मतलब अपग्रेड करना है, और डार्क एलिक्सर के 2-3 स्पेल्स बचे हैं। और यहाँ पर जो है बारबेरियन किंग और आर्चर क्वीन बचे, वो भी डार्क एलिक्सर के। तो मैंने जो है प्रायोरिटी नहीं दिया था डार्क एलिक्सर फार्मिंग को जब मैं टाउन लाइन पर पहुँचा था, और मैं मोस्ट प्रोबेबली जो है गोल्ड और एलिक्सर के पीछे भाग रहा था। लेकिन आप देख सकते हो अभी मेरे पास गोल्ड और एलिक्सर कचरे की तरह पड़ा हुआ है, लेकिन अभी मैं उसका कुछ यूज़ नहीं कर सकता। तो आप भी ये मिस्टेक ना करें, मैं तो आपको कहता हूँ कि आप डार्क एलिक्सर फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें टाउन हॉल 9 में। और यहाँ पे जो आपको सबसे पहले अपग्रेड करना है वो है आपके हीरोज, और हीरोज के अंदर भी बारबेरियन किंग को उतनी प्रायोरिटी नहीं देनी है क्योंकि टाउन हॉल 9 जो है वहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट अटैक स्ट्रेटजी आ जाता है क्वीन वॉक। जो क्वीन वॉक होता है ना उसके लिए आपको हाई लेवल क्वीन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा डार्क एलिक्सर जो है अपने क्वीन के पीछे लगाना है, और क्वीन के अपग्रेड करने के बाद जितना भी डार्क एलिक्सर बच जाता है वो आप जो है अपने लेबोरेटरी में लगा सकते हो। किंग को जो आप लेटर अपग्रेड करो। तो लैब के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है लैब के अंदर आपको अपग्रेड करना है वो है आपके वल्कैरी और आपका जो यहाँ पर लावाउंड। तो वल्कैरी जो है आपके अटैक में बहुत ज़्यादा काम आता है, जो आपके मेन इंपॉर्टेंट अटैक्स होते हैं, और जो लावाउंड होता है वो आपका जो टाउन हॉल 9 का मतलब जो सबसे फेमस अटैक होता है लालो अटैक, जो कि बेस्ट होता है। अगर मैं अपने फ्यूचर वीडियोज़ में आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊँगा, लालो अटैक स्ट्रैटेजी, आपका क्वीन चार्ज लालो हो गया, और भी बहुत सारे जो अटैक स्ट्रैटेजी हो गए उनके लिए काम आता है। अगर आप विच स्लैप यूज़ करना चाहते हो तो आप विच स्लैप को मतलब विच को अपग्रेड कर सकते हो।
तो आप कौन सा अटैक स्ट्रेटजी अच्छा लगता है ये आप जो प्रैक्टिस मोड में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मोड में बहुत सारे अटैक्स करने को मिल जाएंगे, वहाँ से आपको जो अच्छा लगे अटैक स्ट्रेटजी उस हिसाब से जो है आप अपने ट्रूप्स को अपग्रेड करो। सो गाइस हम लोग ने यहाँ पे बात कर लिया डार्क एलिक्सर फार्मिंग जो कि टाउन 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है उसके बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है कलेक्टर्स। तो बहुत सारे प्लेयर जो यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं कलेक्टर्स के रोल को, लेकिन यहाँ पे जो आपका मैक्स कलेक्टर होता है लेवल 12 का टाउन हॉल 9 पे, वो बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज दे सकता है। जब आप सुबह सुबह या फिर मतलब बहुत टाइम बाद क्लैश ऑफ क्लैंस में लॉग इन करते हो तो आपके जो कलेक्टर फील्ड रहते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ्री में, मतलब आपको मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे आपको फ्री में आपको मतलब एलिक्सर और गोल्ड मिल जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टाउन हॉल 9 पे जब आते हो टाउन हॉल 8 मैक्स करने के बाद, तो यहाँ पे सबसे पहले डार्क एलिक्सर फार्मिंग के साथ जो है आप अपने डार्क एलिक्सर कलेक्टर को अपग्रेड करो। जो आपके डार्क एलिक्सर ड्रिल्स है उनको जितना जल्दी हो सके लेवल 6 तक लेके जाओ, क्योंकि डार्क एलिक्सर ड्रिल भी जो है डार्क एलिक्सर फार्मिंग का हिस्सा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके कलेक्टर सारे मैक्स हो गए तो जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो है कि इन कलेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना। एक बार अगर आपका कलेक्टर्स यहाँ पे फुल हो गया तो उसको आपको जो है प्रोटेक्ट भी करना है, मतलब आपको यहाँ पे जितना भी कलेक्ट होता है आपके एलिक्सर कलेक्टर गोल्ड माइंस के अंदर उन सबको जो आपको कलेक्ट कर लेना है, इससे पहले कोई और रेड मार दे। वो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 9 घंटे 25 मिनट का शील्ड है और यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ मुझे यहाँ पे आधे घंटे का गार्ड मिल जाता है, मतलब अराउंड 10 घंटे का जो है मेरे पास टाइम है यहाँ पे इसको कलेक्ट करने का। तो मैं जो है यहाँ पे क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर 10 घंटे बाद जो है लॉग इन करूँगा इन सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क एलिक्सर और जितने भी गोल्ड माइंस हैं इन सब का बूस्ट पे भी रख सकते हो और फिर जो है आप इनको कलेक्ट कर सकते हो एक प्रायर टाइम के बाद। जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेस्ड है यहाँ पे क्लैन गेम्स और आपके वॉर्स के ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे वॉर स्टार्स, तो मेरे पास 1000 वॉर स्टार्स है और जब आप अपने 1000 वॉर स्टार्स अनलॉक कर लेते हो तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे जेम्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके अराउंड 2000 के करीब जेम्स मिल जाते हैं और उन जेम्स से जो है आप अपने आर्चर क्वीन का स्किन परचेस कर सकते हो या फिर किंग का भी स्किन यहाँ परचेस कर सकते हो कॉस्मेटिक टैब से। तो यहाँ जो है आप कॉन्स्टेंटली अगर वॉर खेलोगे तो वहाँ पे आपको 7x तक लूट मिल सकता है CWL को इंक्लूड करके, और जो यहाँ पे आपको जेम्स भी बहुत सारे मिल सकते हैं। और रही बात क्लैन गेम्स की, तो क्लैन गेम्स में भी आपको बहुत सारा डार्क एलिक्सर मिल सकता है और साथ में जो है गोल्ड और एलिक्सर के रूम्स मिल सकते हैं, तो उनको कलेक्ट करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे अगर आप सीजन बैंक परचेस कर लेते हो या फिर मतलब गोल्ड पास परचेस कर लेते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पर्क्स मिल जाते हैं, जैसे 20% जो है आपका यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है आपके टाइमर पे बिल्डिंग के, और साथ ही साथ जो आपका ट्रेनिंग टाइम होता है उस पर भी डिक्रीज़ आता है, जो आपका टोटल कॉस्ट होता है किसी चीज़ को अपग्रेड करने का वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो जो आपका मतलब जो टाइम होता है मतलब आपके बेस को मैक्स करने का वो 20% तो आप कह सकते हो डिक्रीज़ हो जाता है गोल्ड पास के साथ। और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीज़न बैंक के बिना मतलब यहाँ पे जल्दी से जल्दी मैक्स नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन जिनके पास सीज़न बैंक होते हो वो यहाँ पे मतलब एक कदम आगे रह सकते हैं आपसे। और अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली पुशिंग करते हो, ग्राइंडिंग करते हो, मतलब बहुत से लोग जो है टाउन हॉल 9 में लेजेंड पुशिंग करते हैं, तो लेजेंड पुशिंग के साथ जो है आपको अटैक में जो है बोनस इंक्रीज़ हो जाता है। जब भी आप कोई अटैक फिनिश करते हो और एक स्टार भी करते हो तो वहाँ पे जो आपका बोनस मिलता है एक्स्ट्रा बोनस, वो जो है यहाँ पे ट्रॉफी रोड के साथ इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप जो है मतलब लेजेंड तक पुशिंग करते हो, बोझाना लेजेंड तक नहीं भी पहुँचते हो तो मास्टर और चैंपियन में भी आपको अच्छा खासा बोनस मिल जाता है। तो आपका अटैक के अंदर लूट मिले ना मिले बोनस से आपको जो अच्छा खासा लूट मिल जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टाउन हॉल 9 पे हो तो आप पुशिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, पुशिंग की आर्मी यूज़ कर सकते हो। और जो सबसे पहले आपको अपना क्वीन अपग्रेड करना है, क्योंकि क्वीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुशिंग के लिए, और आपको जो है क्वीन वॉक और क्वीन चार्ज ये जो दोनों चीज़ें ये सीखने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इन दो टॉपिक के ऊपर जो आपका क्वीन चार्ज और क्वीन वॉक है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस आई होप आपको जो है सारे के सारे मेरे टिप्स अच्छे लगे रहेंगे और आप भी जो है फटाफट से अपने टाउन 9 को यहाँ पे मैक्स कर सकते हो। और अगर आप टाउन 8 पे हो
तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा यहाँ पे टाउनल 10 पे पहुँचने के लिए। तो बेसिकली यही पे आज के वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, तो आपको अच्छा लगा रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को प्रेस कर दो। अगर आपको क्लैश ऑफ क्लैंस के रिगार्डिंग वीडियो अच्छे लगते हैं, चाहे वो अटैक स्ट्रेटजीज हो गए, बेस डिजाइन हो गए, अपडेट इन्फॉर्मेशन हो गया, या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ होता है वो सब स्टफ हो गया, तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप क्लैशिंग।